नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक बार और भविष्यवाणी की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही कि नीतीश कुमार को फैसला पलटना होगा। क्या कुछ कहा और किस तरह से वो नीतीश कुमार को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं, क्या है भीतरखाने में और बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। जब उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों विदेशों की ठंडी हवा खा रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी को याद आ गया है कि अपने अचानक विधायकों से, सांसदों से मिलना चाहिए। असल बात यह है कि मुख्यमंत्री अच्छे से जान रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसकी नहीं है, समाप्त हो चुकी है। और जाहिर बात है कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच और पकड़ दोनों प्रदेश में समाप्त हो जाए, तो वह अपने विधायक सांसदों से इतने सालों बाद ही सही पहली बार उनके दिमाग में आया है कि उनसे कुछ आइडिया लें। लेकिन बुझा हुआ और फूका हुआ कारतूस में कितनी भी चीज़ें भरिए, वो बुझा हुआ फूका ही हुआ रहता है। नीतीश कुमार एक बुझे हुए, फूके हुए, और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं, वो याद अपना करने का प्रयास कर रहे होंगे कि कौन कौन उनके विधायक और सांसद हैं। भाजपा इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी जिसके साथ हैं उसी के साथ रहें। नीतीश कुमार को भय है कि मुझे इसी सरकार में नहीं पलट दिया जाए। वो उन्होंने हर बार वो पलटी मारते थे, कहीं वहाँ गठबंधन पलटी मार करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना दे। इसी पलटी मारने से बचने के लिए वह विधायक और सांसदों को बुला रहे हैं। भाजपा इस बात के लिए पहले से कृत संकल्प रही है कि लालू यादव के कुशासन के खिलाफ, लालू यादव के अपराध और लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, उन सब पर भाजपा विचार करने को तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार उसके कभी भी भाग नहीं होंगे। अब तो नीतीश कुमार जी के विरोधियों में यह हालत हो गई है कि खुद घोषणा करते हैं हिमाचल में 10 और 11 जुलाई को बैठक होगी, और शरद पवार जी घोषणा करते हैं कि नहीं, 13-14 को बेंगलुरु में बैठक होगी। और नीतीश कुमार को भी यह सूचना टीवी के माध्यम से मिलती है। एक शरद पवार का सेक्रेटरी भी यह जरूरत नहीं समझता है कि नीतीश कुमार ने जो सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब उसके अलग हम जगह और डेट चुन रहे हैं, तो नीतीश कुमार को खबर करें। नीतीश कुमार राहुल गांधी के एजेंट बन के बाकी विरोधियों को मिलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर राहुल गांधी भी भरोसा नहीं करता है, बाकी मुख्यमंत्री तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो पलटी मार के कारनामे हैं, कौन साथ जाने का रिस्क लेगा। कि नौकरी मिले या बीपीएससी की पूरी परीक्षा केवल एक आईवॉश है, जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, जिस तरह से विवाद जानबूझ के पैदा किया जा रहा है, आपने पहले खुद ही एक नियम बनाया, उस नियम के विरुद्ध में हिंदुस्तान में कहीं एक छोटा सा भी पत्ता नहीं खड़का। लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट में आप खुद नियम बदलते हैं, हर बार आप ही अपना फैसला खुद बदलने का काम करते हैं। अभी तक जो राजनीति के पलटू राम थे, वह अब हर सरकारी नौकरी के भी पलटू राम हो गए। अपनी ही बात से पलट आना, पहले पलट के कुछ करना, इसी केस में देखिए तो 2 साल में 3 बार पलटी मार दी है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पहले तो चंद्रशेखर को मंत्री से हटाएं। यह व्यक्ति जब तक रहेगा बिहार में केवल माहौल खराब करेगा, बिहार के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया रखेगा। और दूसरा मेरा मांग रहेगा कि सभी की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुने। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं,
वादा आपने किया था कि भाई हम सबको सरकारी कर्मी बना देंगे, तो आज क्या तकलीफ हो गई है, आप उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। उसी प्रकार से जो आप जॉब के लिए जो कर रहे हैं, हर बार पॉलिसी चेंज करना यह छात्रों के साथ मजाक है, और मजाक तो आपने मार्च में ही कर दिया था जब इस साल के बजट में शिक्षकों को नौकरी की सैलरी देने के लिए 5 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया था। एक तरफ आप 1,70,000 का एडवर्टीजमेंट निकालने की घोषणा करते हैं, और उसी विधानसभा में 1,70,000 रुपए भी इन शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटित नहीं करते हैं। और यह बताता है कि आपकी फरवरी से ही मानसिकता थी कि इस साल किसी भी शिक्षक को नौकरी नहीं देना है, केवल आई वॉश करके युवाओं को भटकाया जा रहा है, जिस तरह से लटकाने अटकाने और भटकाने का काम बिहार सरकार कर रही है, इसकी हम लोग निंदा, ऐतिहासिक होगा, और नीतीश कुमार को अपने पुराने फैसले बदलने ही पड़ेंगे।